हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा 500 इंपोर्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा था फ्रेंड्स, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को पार्ट 9 तक का वीडियो कवर करवा दिया हूँ। अगर आप लोग पार्ट 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। सारे वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप लोग एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को एक बात और बताना चाहते हैं, हम एक वीडियो में 10 वन वर्ड कवर करवाते हैं, तो आप लोग को पता होगा ये मेरा 10 नंबर का वीडियो है। तो इसमें आज फ्रेंड्स आप लोग को हम टोटल 100 वन वर्ड तक कवर करवा देंगे। मतलब आज मेरा 100 वन वर्ड कवर हो जाएगा। और कल फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक टेस्ट रखेंगे, कल आप लोग के लिए एक टेस्ट रखेंगे जिसमें आप लोग को 10 बजे मॉर्निंग के 10 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। और आप लोग को मॉर्निंग के 10 बजे आप लोग को लाइव आना है। 10 बजे मॉर्निंग हम लाइव आएंगे और उसमें हम 20 से 30 वन वर्ड देखेंगे। जो आप लोग को हम 100 वन वर्ड कराए हैं उसी में से 20 से 30 वन वर्ड आप लोग को देंगे। और आप लोग को अपना स्कोर चेक करना है कि हम लोग को कितना वन वर्ड याद हो गया है, क्योंकि आप लोग को टोटल हम 100 वन वर्ड आज आप लोग को 10 वन वर्ड आप लोग को हम कराएंगे, यानी 90 वन वर्ड आप लोग को कल तक करवा दिए थे और आज हम 10 वन वर्ड कराएंगे फ्रेंड्स। आप लोग को 100 वन वर्ड कवर करवा देंगे। तो कल आप लोग को 10 बजे लाइव आना है और ये 20 से 30 वन वर्ड जो हम आप लोग को करवाएंगे, आप लोग को देखना है कि आप लोग को कितना वन वर्ड याद रहता है और कितना नहीं रहता। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो कल आप लोग जरूर आइएगा 10 बजे लाइव। ओके, कल 10 बजे हम लाइव आएंगे वन वर्ड का सीरीज लेकर जिसमें आप लोग को टेस्ट देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वन वर्ड क्या है? आज का फर्स्ट वन वर्ड है फ्रेंड्स, ब्रास बार्स ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर। मतलब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वार्स मतलब सोना या चांदी का टुकड़ा को क्या कहते हैं? सोना या चांदी के टुकड़ा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूलिन कहते हैं, या सोने या चांदी का ईट जिसका हिंदी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फिर ग्रेप्स। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फिर ग्रेप्स को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बंच कहते हैं। मतलब फूलों के समूह या फिर अंगूर के गुच्छा को क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। ओके, बंच का हिंदी क्या होता है? गुच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है, ए कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स। मतलब क्या होता है? झंडों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो झंडों के संग्रह को, फ्लैग्स के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बंटिंग कहते हैं। इसका हिंदी होता है झंडों का संग्रह। झंडों का संग्रह को क्या कहते हैं? बंटिंग कहते हैं। आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है, गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट है फ्रेंड जो अपने जो अपना काम करवाता है फ्रेंड, जो वर्क करवाता है अपने आदमी के अनुसार करवाता है, उसका जो वर्किंग करने का असिस्टेंट रहता है उसका अपना ही आदमी रहता है, ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नौकरशाही या फिर राजशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इसका वन वर्ड हुआ। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें सारे गवर्नमेंट के लोग को ही काम करने का अधिकार होता है, आम पब्लिक का कोई अधिकार नहीं होता, वैसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? वैसे गवर्नमेंट को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसका हिंदी होता है नौकरशाही या फिर राजशाही। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है, टू लाफ नॉइजली। टू लाफ नॉइजली, नॉइजली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टू मेक लाउड साउंड। टू मेक लाउड साउंड मतलब बहुत जोर जोर से हल्ला करना और बहुत जोर जोर से हंसना, उसे क्या कहते हैं? टू लाफ नॉइजली। मतलब हंस तो रहा है, व्यक्ति हंस रहा है लेकिन बहुत जोर जोर से हंस रहा है, बकवास की तरह हंस रहा है, मतलब हंसे पे हंसे जा रहा है, वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स? टू मेक लाउड साउंड मतलब हल्ला गुल्ला कर रहा है, बेकार का हल्ला कर रहा है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कैकल कहते हैं, जिसका हिंदी होता है बकवास या फिर हल्ला करना। टू लाफ नॉइजली मतलब बहुत जोर जोर से हंसना। हंसने का कोई भी सीमित होता है कि आदमी हंसने का कोई भी लिमिट होता है और वो लिमिट का कोई क्रॉस कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो लिमिट को क्रॉस करता है उसे कहते हैं कैकल। मतलब बड़बड़ाते रहता है, हंसते रहता है, बकवास करते रहता है, हल्ला करते रहता है, नॉइज फैलाते रहता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया, क्या कह रहा है आप लोग देखिए, वन हु किल्स एनिमल एंड सेल्स देयर फ्लैश। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है? किल करता है। किसको किल करता है? मतलब किसको मारता है? एनिमल्स को मारता है। जो एनिमल्स को मारता है और सेल्स करता है, क्या बेचता है? और उसके मांस को बेचता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है फ्रेंड्स जो जंतुओं को मार देता है और उसके बाद उसका जो फ्लैश रहता है, फ्लैश का हिंदी क्या होता है? मांस। और उसके मांस को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बटचर कहते हैं, कसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है, बैड इन स्पेलिंग्स। बैड इन स्पेलिंग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसे आप लोग को हम एक स्पेलिंग दिए, आप लोग को एक मीनिंग दिए पढ़ने के लिए, एक सेंटेंस दिए आप लोग को पढ़ने के लिए, ये आप लोग के सामने एक सेंटेंस है बैड इन स्पेलिंग्स लिखा हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको बैड इन स्पेलिंग नहीं पढ़ के बैड इन स्प्लेंट कर रहे हैं, स्प्लैंग कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मतलब गलत पढ़ रहे हैं। बैड इन स्पेलिंग को आप लोग कह रहे हैं स्प्लिंग है, स्प्लिंग है, स्पेलिंग है, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, तो आप गलत पढ़ रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है फ्रेंड्स?
जो स्पेलिंग को, जो सेंटेंस को गलत पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैकोग्राफिस्ट कहते हैं, मतलब अशुद्ध वर्तनी, जो अशुद्ध उच्चारण करता है, जो मतलब शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं करता उसे क्या कहते हैं, कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन हु राइट्स डेकोरेटिवली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कैलीग्राफर मतलब एक ऐसा व्यक्ति, इस डाकू को काट दे, डाकू आपका गलत लिखा, कल वाला ही लिखा रह गया, इस डाकू को काट, इसका डाकू इसका मतलब नहीं होता, हम बता दें इसका मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली मतलब एक ऐसा व्यक्ति है फ्रेंड्स जो राइट करता, राइट मीन्स क्या होता है, लिखता है, डेकोरेटिवली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शुद्ध शुद्ध लिखता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है जो शुद्ध शुद्ध लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कैलीग्राफर कहते हैं, जो शुद्ध शुद्ध लिखता है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली जो शुद्ध शुद्ध लिखता है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं, डाकू नहीं होगा। ओके डाकू कल वाला ही रह गया था, इसको हम काटना भूल गए थे, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है पर्सन हु ईट्स फ्लेश ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, ईट करता है, ईट मतलब क्या होता है, खाता है, फ्लैश मतलब मांस को खाता है, किसका मांस को खाता है, ऑफ ह्यूमन बींग मतलब एक ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो खाता है, क्या खाता है, ह्यूमन के मांस को, नहीं मनुष्य के मांस को खाता है, ह्यूमन के फ्लैश को खाता है, उसे क्या कहते हैं, कैनिवाल कहते हैं, मतलब एक ऐसा मनुष्य है जो मनुष्य के भी मांस को खा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैनिवाल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, 100 नंबर का वन वर्ड देखिए क्या कर रहा है, टू काउज ओवर टर्न ऑफ बोट और शिप, मतलब जब नाव या फिर बोट या शिप, मतलब नाव या फिर जहाज, पानी वाला जहाज या फिर नाव, जब तलाई समुद्र में मैरियन सी में जब पलटता है फ्रेंड, जब वो उलट जाता है, पलट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उलटने पलटने की घटना को क्या कहते हैं, कैपेसाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपेसाइज मतलब टू काउज ओवर टर्न ऑफ, मतलब टर्न ऑफ मतलब उलटना या फिर पलटना, मतलब जब चलते चलते उलट या पलट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपेसाइज कहते हैं, जिसका मतलब होता है नाव का पलटना। ओके चलिए फ्रेंड्स एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जितना आप लोग को कवर करवाएं फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या क्या आप लोग को कवर करवाएं। ओके तो आप लोग का सामने फर्स्ट वन वर्ड क्या था फ्रेंड्स, ब्रैश ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर, मतलब चांदी या फिर सोने के टुकड़ों को क्या कहते हैं, बुलिन कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सोने या चांदी का ईट। ओके नेक्स्ट क्या था फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या ग्रेप्स, मतलब फ्लावर के ग्रुप या फिर ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लावर के ग्रुप या फिर ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, जिसका हिंदी तो गुच्छा। नेक्स्ट क्या था फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया है ए कलेक्शन ऑफ फ्लैक्स, मतलब फ्लैक्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, फ्लैक्स के समूह को क्या कहते हैं, बंटिंग कहते हैं, झंडों का संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो अपने ही आदमी को काम देती है, अपने ही आदमी को अधिकार देती है, जितना पोजिशन होता है सब अपने ही व्यक्ति, अपने ही आदमी को देती है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नौकरशाही कहते हैं, राजशाही कहते हैं, जिसका वन वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी। ओके नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने है टू लाफ नॉइजली, नॉइजली का मतलब क्या होता है, टू मेक लाउड साउंड, मतलब बहुत जोर जोर से हल्ला करना, बहुत जोर जोर से हंसना, उसे क्या कहते हैं, कैकल कहते हैं, कुड़कुड़ाना कहते हैं, बकवास कहते हैं, हल्ला करना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो हंसता तो है लेकिन उसको हंसने का तरीका मालूम नहीं है, इतना कस के हंसता है कि बहुत सारा नॉइज होता है, बहुत सारा हल्ला होता है, आगे सुनने वाला व्यक्ति को लगता है कि साला क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं लगता। तो इस तरह से फ्रेंड्स टू लाफ नॉइजली मतलब कैकल, इसका वन वर्ड क्या होता है, कैकल होता है, जिसका मतलब होता है बकवास करना, फिर हल्ला करना। ओके नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने है वन हु किल्स एनिमल एंड सेल्स देयर फ्लेश, मतलब एक ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल को पहले मार देता है और उसके बाद मारने के बाद उसका मांस को क्या करता है फ्रेंड्स, सेल करता है, उसके मांस को बेचता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बटचर कहते हैं, कसाई कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया बैड इन स्पेलिंग, जैसे आप लोग को एक सेंटेंस दिए, आप लोग को एक स्पेलिंग दिए और आप उसका क्या कर रहे हैं, आप उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, आप उसको जो पढ़ रहे हो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो गलत तरीके से पढ़ने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैकोग्राफिस्ट कहते हैं, अशुद्ध वर्तनी कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, डाकू को काट लीजिएगा, पहले भी हम बोले थे कि डाकू को काट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध शुद्ध लिखता हो, जो अच्छे तरीके से लिखता है, डेकोरेटिवली लिखता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कैलीग्राफर कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं, जो शुद्ध शुद्ध लिखना जानता हो। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने है पर्सन हु ईट्स फ्लेश ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है,
खाता है, किसको खाता है, ह्यूमन बींग्स ऑफ इट्स, सॉरी ह्यूमन बींग्स ऑफ फ्लैश, मतलब फ्लैश ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य के मांस को खाता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद खुद ही मनुष्य है और मनुष्य के मांस को ही खाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कैनिबाल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। ओके, जो मनुष्य के मांस को खाता है उसे क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। फ्लैश का मतलब होता है मांस होता, चलिए फ्लैश का मतलब क्या होता है, मांस होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आए क्या कह रहा है, टू काउज ओवर टर्न ऑफ ए बोट और से, मतलब कोई कारण से जब नाव या फिर जहाज पानी में पलट जाता है फ्रेंड्स, उलट जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैपेसाइज कहते हैं, उलटना या पलटना कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक बात आपको ध्यान में रखना है, कल आप लोग को 10 बजे मॉर्निंग में आना है, 10 बजे मॉर्निंग में कल आप लोग को लाइव आना है और आप लोग को आकर टेस्ट देना है कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 10 बजे आना है आप लोग को, कल लाइव आना है तो मतलब आना है, भूलिएगा मत। आप लोग को 100 वन वर्ड आप लोग को कवर करवा दिए, कितना वन वर्ड कवर करवा दिए, आज आपको टोटल 100 वन वर्ड करवा दिए और कल आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के लिए जरूर आना है। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाता है कि आपको आना है या नहीं। अगर आप लोग अपना एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग कल जरूर आइएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोग जो हम 8 बजे वीडियो करवाते हैं, 8 बजे रात को जो हम आते हैं लाइव आते हैं, उसमें हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाते हैं, जरूर आप लोग दीजिए, आप लोग आइए, उसमें स्कोर चेक कीजिए, कुछ नया नया चीज भी आप लोग को सिखाते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत लोग आते हैं, आप लोग आइएगा, एक बार आइए, बहुत मजा आएगा, आप लोग को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखने को नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चले जाइएगा, लेकिन आइएगा जरूर फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज वहां पे बताते हैं, इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाते हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और कल आप लोग को तो 10 बजे आना है, क्योंकि 10 बजे क्या करेंगे हम, कल आपको लाइव आएंगे 10 बजे और लाइव आकर क्या करेंगे, लाइव आकर हम वन वर्ड जितना आप लोग को करवाएं, 100 वन वर्ड करवाएं, जिसका 20 से 30 वन वर्ड जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा वो लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाएंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग 100 वन वर्ड तक आज याद कर लेंगे आज रात तक, और कल आप लोग 10 बजे आकर अपना टेस्ट देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, सर इसके बारे में हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहते हैं। आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।